तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 60 घोटालों के आरोप में घेरा, कहा इन घोटालों से 30,000 करोड़ के सरकारी खजाने पर डाला गया डाका। बिहार भर में लगभग 60 घोटाले हुए हैं जिसका लगभग आंकड़ा जो है 30,000 करोड़ का खजाना सील माना गया। तेजस्वी का आरोप, नीतीश ने बिहार में बनाई घूस की परंपरा, बिना चढ़ावे के किसी महकमे में नहीं होता कोई काम। तेजस्वी यादव ने महंगाई का मुद्दा भी उठाया, बोले प्याज लगा चुका है महंगाई की सेंचुरी, प्याज के आंसू रोने वाले आखिर कहां हैं, गरीब रोटी रोजी रोटी को है मोहताज। तेजस्वी ने कहा सुशांत की मौत से महंगाई बड़ा मुद्दा, सुशांत केस पर जो कहना था पहले ही कह दिया। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के प्रचार का आज आखिरी दिन, सभी पार्टियों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, आज कई बड़े नेताओं की रैलियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली में 2 और मुजफ्फरपुर में करेंगे 1 रैली, तेजस्वी की रैली भागलपुर में। जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे रैलियां औरंगाबाद और पूर्णिया में नड्डा की रैली। बीजेपी के नेताओं भूपेंद्र यादव, रवि किशन और स्मृति ईरानी भी करेंगे चुनाव प्रचार, बिहार में करेंगे कई रैलियां। चिराग पासवान ने जेडीयू पर किया पलटवार, नीतीश को जेल भेजने की फिर दोहराई बात, कहा सुशन समेत हर घोटाले की होगी जांच, दोषी भेजेंगे जाएंगे जेल। ये लिप्त है, भ्रष्टाचारी है मुख्यमंत्री, और कोई भी भ्रष्टाचारी को बाहर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी जगह जेल में ही है। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार से किया सवाल, क्या यहाँ पर शराब की तस्करी नहीं हो रही, बिहार में शराब की हो रही है होम डिलीवरी। चिराग पासवान बोले बिहार में सीएम नीतीश कुमार की शह पर हो रही है शराब की तस्करी, की जा रही है होम डिलीवरी, क्या सवाल, किसकी जेब में जा रहा है पैसा। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार को बताया युवा विरोधी, कहा ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स बिहार में 5 साल में कम्प्लीट हो रहा, बिहार का युवा देगा इसका जवाब। चिराग की धमकी पर जेडीयू का पलटवार, बोली बाजी, चिराग का बयान शर्मनाक, चुनाव लड़ते तो खुद की सीट भी नहीं जीत पाते। बेरोजगारी को लेकर भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, बोले पीएम को गुमराह किया, चिराग ने जेडीयू से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। मायावती ने भी की बिहार चुनाव के लिए अपील, ट्वीट कर कहा विरोधियों के सभी हथकंडों और साजिशों से सावधानी बरते। बिहार में बीजेपी का भाजपा है तो भरोसा है कैंपेन लॉन्च, पोस्टर में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नीतीश नदारद। बेचैन को बिहार में बिहारी बताने पर बिफरे शत्रुघ्न सिन्हा, कहा गलत आंकलन किया जा रहा है, लव बिहारी नहीं भारी उम्मीदवार है। आज अपने बड़े भाई के लिए हसनपुर में वोट मांगेंगे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप ने कहा अर्जुन आ रहा है। बिहार में पहले दौर के मतदान को लेकर प्रशासन सतर्क, बाढ़ में जेल में की छापामारी, अपराध के लिए जेल से जारी होने वाले फरमान की हर आशंका खारिज की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा कर्ज माफी योजना बंद की, इस पर झूठ फैलाया और किसानों की आत्महत्या बढ़ी। बुलंदशहर में भी मामी प्रमुख चंद्रशेखर और AIMM नेताओं में खूनी झड़प, दोनों पक्षों ने लगाया एक दूसरे पर हमले का आरोप, सभी पक्षों ने किया केस। बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार, कुपवाड़ा से श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं का तिरंगा यात्रा। लाल चौक पर पहुंचते ही पुलिस ने बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जम्मू में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा। जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता, फहराया तिरंगा, महबूबा मुफ्ती की तस्वीर पर उतरा हरा रंग। उसके वो गद्दार, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो, आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा वैसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। दशहरे पर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने सुशांत की आत्महत्या का उठाया मुद्दा, कहा खुदकुशी पर उन्हें बिहार का पुत्र बताकर महाराष्ट्र के पुत्र को बदनाम करने की साजिश रची गई। पण लगेच तो बिहार चा पुत्र झाला, पण बिहार चा पुत्र म्हणून त्याच्याबद्दल गळे काढणारे तुम्ही महाराष्ट्राच्या पुत्रावरती
चिकल फेंक कर अलग अलग। दशहरा रैली में सुशांत की मौत और बॉलीवुड ड्रग्स केस पर बोले उद्धव ठाकरे, विरोधियों पर महाराष्ट्र की संस्कृति की बुराई और महाराष्ट्र की पुलिस को बदनाम करने का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी किया पलटवार, कहा यहां घर घर में रोपा जाता है तुलसी का पौधा, गांजे का नहीं। संस्कृति आए त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृति मध्ये आमच्या घरा घरा मध्ये तुलसी वृंदावन आहेत, गांजाची वृंदावन नाहीयेत। असं कोणतं पिक्चर आलं नाही तो मैं गांजा तेरे घर का, हे तुमच्या घरात असेल, गांजाची शेती जिकडे असेल कुठे आहे ते तुम्हाला माहिती आहे। उद्धव ठाकरे पर कंगना का पलटवार किया ट्वीट, हिमाचल देवभूमि है, यहाँ सेब की भी पैदा होता है, गांजा नहीं, गांजा आपके राज्य में होता होगा। उद्धव ठाकरे का आरोप, बीजेपी मेरी सरकार गिराना चाहती है, बोले पहले बिहार में सरकार बचा ले बीजेपी। सीएम उद्धव ठाकरे बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदुत्व के विरोधियों के सामने घुटने टेके। कोरोना काल में अच्छी खबर, मृत्यु दर में आई कमी, 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 480 तक पहुंचा। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। एलएसी विवाद को लेकर चीन के साथ इसी हफ्ते सेनेस्टर की 8वें दौर की हो सकती है बातचीत। दिल्ली में आज से आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज, चीन से तनातनी के बीच अहम मंथन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर दिल्ली दौरे पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, कई मुद्दों पर होगी बात। भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से तिलमिलाया चीन, मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा, जैसे अमेरिका का जापान से रिश्ता वैसे भारत के साथ नहीं हो सकता। आईपीएल में कल राजस्थान का दिखा रॉयल अंदाज, मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस ने राजस्थान को दिया 196 रनों का लक्ष्य, राजस्थान ने इसे सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वेन स्टोक्स ने जड़ा धमाकेदार शतक, महज 60 गेंदों में 107 रन बनाकर लौटे नाबाद। स्टोक्स ने अपनी पारी में 14 चौके, 3 शानदार छक्के जड़े। संजू सैमसन ने दिया स्टोक्स का अच्छा साथ, संजू ने 31 गेंदों पर जड़ा नाबाद अर्धशतक।